अखिल भारतीय बैठक को लेकर ग्वालियर में गतिविधियां सरगम भागवत पहुंचे अम्बा महाराज की छतरी। स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ग्वालियर में होने जा रही है। यह बैठक संघ की योजना अनुसार अलग अलग सत्रों में जहां 15 मार्च तक जारी रहेगी, वहीं 8 से 10 मार्च तक संघ के सभी अखिल भारतीय अधिकारी एक साथ बैठकर संघ द्वारा ज्वलंत विषय पर प्रस्ताव पास करेंगे। इस सिलसिले में ग्वालियर के केदारपुर स्थित केदार धाम सरस्वती शिशु मंदिर में पिछले 2 दिन से सरगर्मी और तेज है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहकार्य वहां सुरेश भैया जोशी सहित संघ के तमाम अखिल भारतीय अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन हो रहा है और देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी भी संघ परिवार की राजनीति शाखा है। अंत परिवार संघ होने के नाते भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व अन्य निर्धारित प्रतिनिधियां बैठक में शामिल होंगे, जहां देश भर के करीब 1500 के आसपास लोग शामिल होंगे। बैठक स्थल पर ही भौतिक पंडाल भोजन पंडाल सहित अधिकारी कक्ष बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक की संपूर्ण व्यवस्था में भारतीय संस्कृति का विशेष ध्यान रखा गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।